हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं डोमिनोज स्टाइल बर्गर, वो भी घर पर। देखिए पोयम बन गई ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन रखना, उस पर हल्का सा घी लगा लेना, फिर बर्गर की साइड्स पे भी घी लगा लेना और उन्हें तवे पे रख देना सेकने के लिए, और गैस हल्की रखना आप। और फिर बर्गर के ऊपर टमाटो सॉस लेना और उसे लगा देना अच्छे से, उसे एक चम्मच की हेल्प से स्प्रेड कर लेना आप। मैंने भी ऐसे ही कहा था, इसे नीचे से भी सेक लेना, जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर हल्का सा घी लगा के उसे पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेना, और एक पार्ट पे सॉस लगा लेना। जब सॉस लग जाएगी तो उसके ऊपर ये मैंने चीज स्प्रेड लिया है और इसे लगा लेना खूब अच्छे से भर के लगाना। तो फिर इसको लगा के इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेना। और फिर इसे स्प्रेड करने के बाद क्या करना, अनियन लेना और इसको मैंने ऐसे डाइस काट लिया था, आप जो ऐसे भी चाहो वैसे काट लेना। और फिर इसके ऊपर थोड़े से टमाटर लेना, वो भी मैंने डाइस काट लिए थे, तो टमाटर लगा देना, अनियन, टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़े से कॉर्न, आप चाहो तो और कोई वेजिटेबल, गाजर वगैरह भी लगा सकते हो। मेरे पास यही सब्जियाँ थी तो मैंने वही लगा दी है। फिर उसके ऊपर मैंने पनीर के क्यूब्स लिए हैं खूब सारे, और वो लगा देना, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बस मज़ा ही आ जाएगा। तो इनको लगाने के बाद आप क्या करना, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिया है मैंने, जिससे थोड़ा स्पाइसी हो जाए, तो चिली फ्लेक्स डाल देना आप। फिर चिली फ्लेक्स डालने के बाद थोड़ा ओरिगेनो लेना, ये मेरे पास सैशे थे ओरिगेनो के, तो वही डाल दी थी मैंने। फिर ओरिगेनो डालने के बाद थोड़ा सा और चीज़ स्प्रेड लगाना, और चीज़ स्प्रेड लगाने के बाद ये चीज़ स्लाइस लिया है, इसे खोल कर इसे भी लगा देना। और बस ये जो नीचे की साइड से गर्म हो गया ना बर्गर बंद का बंद, तो इसे उसके ऊपर रख देना, और इसे जो चीज़ स्लाइस है वो मेल्ट हो जाएगा आपका, इसे हल्का सा प्रेस कर देना, और बस यही आपका बर्गर तैयार है, इसे एंजॉय करना जैसे भी चाहो। देखिए लग रहा है ना बहुत बढ़िया, आ रहा है ना देख के मुँह में पानी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय।